श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके बताते हैं ताकि वे उपाय आपको वीडियो में देखकर समझने में आसानी हो। उसी श्रृंखला में सोमवार के दिन किए जाने वाले गुरुजी के कुछ विशेष उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर आप सोमवार के दिन भोलेनाथ के मंदिर में जा रहे हैं तो आपको भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग में त्रिपुंड बनाना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। आपको अपने हाथ के बीच की दो उंगलियों का उपयोग करते हुए शिवलिंग पे दो लाइन खींच देना है। इसके बाद आपको इन्हीं दो लाइनों के नीचे अंगूठे की बाजू वाली उंगली का उपयोग करते हुए तीसरी लाइन बना देना है। गुरुजी ने इस प्रकार से शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाने की एक शास्त्रों के अनुसार जो रीति होती है, जो नियम होता है, जो तरीका होता है वह बताया है। तो गुरुजी ने कहा इस प्रकार से जो शिवलिंग पर प्रत्येक सोमवार या फिर एक नियम अनुसार त्रिपुंड बनाना शुरू कर देता है भोलेनाथ, उसे सभी प्रकार की परेशानियों से बाहर निकाल लेते हैं। बस आपको शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाना है। त्रिपुंड बनाने के बाद त्रिपुंड में आपको थोड़े से चावल के दाने मतलब अक्षत के दाने जरूर चिपका देना है। ऐसा करने से आपका किया गया पूजन अक्षय हो जाता है, कभी समाप्त नहीं होता है। तो आप शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाएं। आप अपने हाथ की तीन उंगलियों का उपयोग करते हुए जैसे बनाते आए हैं तीन लाइन खींचते हुए वैसे भी बना सकते हैं, पर यह तरीका गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कुछ कथाओं में बताया है जो कि विशेष तरीका है। आप इस प्रकार से त्रिपुंड बना के अपनी कामना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए कर सकते हैं और वह कामना तीन माह के अंदर निश्चित पूर्ण हो जाती है। अब बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है जो बार बार बीमार पड़ जाता है, दवाइयाँ कार्य नहीं करती हैं, ठीक होता है फिर बीमार हो जाता है, या फिर कोई असाध्य बीमारी हो गई है, कोई बड़ी बीमारी हो गई है, तो यह सरल और आसान उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको दो शमी पत्र और एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी और थोड़ा सा लाल चंदन की आवश्यकता होगी। इन सभी सामग्री को लेकर आपको शिवालय जाना है और शिवालय जाने के बाद आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को छोड़कर बची हुई दोनों पत्तियों में शमी पत्र को रख देना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको कुछ भी नहीं करना है। बची हुई दोनों पत्तियों में आपको दो शमी पत्र रख देना है और इन दोनों में आपको लाल चंदन की एक एक बिंदी लगा देना है। थोड़ा सा लाल चंदन भी लगा देंगे दोनों शमी पत्र में तो काफ़ी है। आपको यह उपाय करते समय हनुमान जी और हनुमान जी के भाई हैं गतिमान, इनका नाम स्मरण करना है। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए हनुमान जी का नाम लेते हुए गतिमान जी का नाम लेते हुए यह बेलपत्र और शमी पत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। अगर रोगी व्यक्ति कर सकता है तो आप उसके हाथों यह उपाय करवा सकते हैं, अन्यथा उसके निमित्त घर का कोई भी सदस्य यह उपाय कर सकता है उसका नाम और गोत्र बोलते हुए। गुरुजी ने कहा बीमारी अंत की ओर जाएगी यह निश्चितता है। यह विशेष उपाय करके आप अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। बढ़ते हैं अंतिम विशेष उपाय की ओर। अगर आप सोमवार के दिन भोलेनाथ के मंदिर में जा रहे हैं, शिवालय में जा रहे हैं, अगर नहीं भी जा पा रहे हैं तो आप अपने घर के मंदिर में या फिर भोलेनाथ के मंदिर में आपको बेलपत्र अर्पित करना है। बेलपत्र कहाँ कहाँ अर्पित कर सकते हैं और किस प्रकार से अर्पित करना है वह देख लीजिए। सबसे पहले आपको बेलपत्र की डूंठ तोड़ लेना है। आप वीडियो के माध्यम से देख कर समझ सकते हैं। जो बेलपत्र की जो लंबी डंडी होती है, जो उसका आखिरी भाग होता है, उसे आपको तोड़कर हटा लेना है। इस प्रकार से ही बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। अब बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके अंगूठे की जो बाजू वाली उंगली रहती है, इस उंगली का स्पर्श आपकी बेलपत्र को नहीं होना चाहिए। अगर बेलपत्र को आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर रहे हैं तो इस प्रकार से अर्पित करें कि आपके अंगूठे की बाजू वाली उंगली का उपयोग आपको ना करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है और बेलपत्र को आपको हमेशा अपने से विपरीत दिशा की ओर अर्पित करना है। इसके बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए बेलपत्र को अर्पित कर सकते हैं। अगर आप उत्तरमुखी होकर बेलपत्र अर्पित करना चाहते हैं तो इस प्रकार से बैठे कि आपकी पीठ दक्षिण दिशा की ओर हो और इस प्रकार से बैठकर आप बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करें। इस प्रकार से अर्पित करेंगे तो बेलपत्र की जो डंडी होती है वह जलाधारी की ओर होती है। यह भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए बेलपत्र को अर्पित करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप माता सुख सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र अर्पित करना चाहते हैं तो माता सुख सुंदरी के स्थान पर इस प्रकार से बेलपत्र अर्पित की जाती है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं। वो बेलपत्र हमेशा आपको उल्टी ही अर्पित करना होता है। पर अगर आप नंदी के ऊपर बेलपत्र अर्पित करने वाले हैं तो गुरुजी ने कहा है नंदी के ऊपर अगर आप बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं तो आपको नंदी के ऊपर इस प्रकार से बेलपत्र अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी तो भोलेनाथ की शिवलिंग की ओर हो, पर आपको सीधी बेलपत्र अर्पित करना है। नंदी के ऊपर उल्टी बेलपत्र अर्पित नहीं की जाती। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि अगर आप नंदी के ऊपर बेलपत्र अर्पित करना चाहते हैं तो आपको किस प्रकार से बेलपत्र अर्पित करना है।